तो आज हम मेले में जाके रैंडम स्ट्रेंजर्स को रैंडम सवाल पूछने वाले हैं। Will you date? आप दीपक सलाल को जानते हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये है मेरा दोस्त तन्मय, जो कि आज की वीडियो में मेरा हेल्प करेगा, एंड ही आल्सो मेक वीडियोस ऑन YouTube लाइक मी। Will you date? Yes or no? No. सोच के बोल भाई। No. एकदम अच्छी नहीं लग रही लड़की। ठीक है चलो। हाँ कौन कौन कौन? अरे बोलो भाई बोलो कौन। ओके और एक क्वेश्चन है कि अगर आपको उसी बॉलीवुड एक्टर का लाइफ मिले तो कौन सा एक्टर का लाइफ आप जीना चाहते हो? किसी का नहीं, मेरा तो मेरा ही लाइफ अच्छा लगता। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। कोई बॉलीवुड एक्टर अच्छा नहीं लगता? नहीं, क्रिकेटर होता तो सोचता। ठीक है क्रिकेटर का ही बोलो, कौन सा क्रिकेटर? सुमन गिल। सुमन गिल, अच्छा। मतलब उसमें इतना खास क्या लगता है? कुछ तो खास लगता होगा। वो सबसे ही खास है। अच्छा चलो थैंक यू थैंक यू। तो दीदी आपका नाम? शबनम। तो पहला क्वेश्चन ये कि अगर इंस्टाग्राम समझे वैनिश हो गया पूरा एकदम, तो कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे रील्स बनाना बहुत पसंद है। तो एक भी टाइम रील्स अगर ना देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा हाँ, ये तो सबका हाल है, अभी रील्स एकदम एडिक्टेड हो गए हम सब लोग। और एक क्वेश्चन, अगर आपको बॉलीवुड का कोई भी एक्ट्रेस का लाइफ मिले कि कुछ दिन जीने का, उसका लाइफ जीने का, कौन सा ऐसा एक्ट्रेस है? मुझे तो अनुष्का बहुत अच्छी लगती है। अनुष्का शर्मा, हाँ। वो जैसे एक चुलबुली टाइप की है तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे मैं भी हुए वैसी हूँ बिंदास टाइप की, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। अच्छा अच्छा। हेलो आपका नाम? आखी पात्र। हाँ आखी पात्र। आखी पात्र, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये कि अगर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप जिनमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो अगर वो अचानक गायब हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, कैसा कितना इफेक्ट होगा आपको? ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। रील्स नहीं चलाते आप? हाँ पर एडिक्शन नहीं है रील्स में। ये बहुत बढ़िया बात है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ठीक है? और एक क्वेश्चन, आप दीपक कलाल को जानते हैं? दीपक कलाल बहुत मतलब फेमस तो है रोस्टिंग की दुनिया में, बहुत थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, लेट तो होते ही होंगे शायद, तो अक्सर आप कौन सा एक्सक्यूज देते हैं लेट होने के लिए? वो मैं ना एक बहुत अच्छा से एक्सक्यूज देती हूँ, मैं जब लेट हो जाती हूँ ना तो मेरा फोन का जो टाइम है ना क्लास में, मैं तो स्टूडेंट हूँ तो क्लास में पहुँचने से पहले मैं ना मेरा फोन का जो टाइम है वो थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, फिर मैम के साथ बोलती हूँ मेरा फोन में इतना ही था। तो अच्छा मतलब आपका फोन का टाइम को लेट करके खुद को, क्योंकि मैं तो मेरा ही फोन चेक करके निकालती हूँ ना। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, लेकिन हमने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, एकदम न्यू है, आप सब ट्राई कर सकते हैं ये वाला ट्रिक। तो भैया बुला रहे थे तो पारी ना। अरे आप हिंदी बोलिए, हम हिंदी में कर रहे वीडियो बोलिए। हाँ तो आपको कैसा लग रहा है मेले में? मेला तो हमको शुरू से 16 साल से मेला कर, अच्छा लगता है, मेला तो बहुत बढ़िया चीज है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हम, आप थोड़ा यंग है तो आपको पता हो सकता है इन सब चीजों में। जैसे कि अभी के जमाने में अभी बहुत सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत बहुत चलता है, अभी लोग तो उसमें घुस गए एकदम। अगर समझे कि कोई एक दिन ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम उड़ गया एकदम गायब हो गया, तो कैसा लगेगा आपको? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का आदत नहीं बनाना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस आदत नहीं बनाए लोग ठीक रहेगा, बंद भी हो जाएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर समझे उड़ गया इंस्टाग्राम तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ा सा तो तकलीफ होगी, क्योंकि ये हम लोग का मनोरंजन का चीज़ है, एंटरटेनमेंट का चीज़ है, थोड़ा सा तकलीफ होगा बट आस्ते आस्ते आदत हो जाएगा। और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। और एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा कुछ हुआ आपको कोई फिल्म कोई हीरो का आपको ज़िंदगी मिले ऐसा कुछ कि इसका ज़िंदगी आपको मिल रहा है, तो आपको किसका ज़िंदगी आप जीना चाहेंगे? फिल्म के हीरो का ज़िंदगी, कौन सा ऐसा हीरो है, कौन सा हीरो का ज़िंदगी आप जीना चाहेंगे? पॉसिबल वाला सवाल बोल रहे जो होना ही नहीं है। वो तो हमको ही पता है कि ऐसे आप बस समझे कि मिले, तो आपको कौन पसंद है? अगर मुझे उन लोगों की अगर जिंदगी मिली
अच्छे कर्म करना चाहूँगा, उन लोग के जैसा सबका हेल्प करना चाहूँगा, जैसे सोनू सूद है, सलमान खान है, और भी बहुत सारे लोग जो करते हैं, मैं भी वैसे ही करूँगा। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भैया का नाम क्या है? मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहिद, ये भैया एकदम फुल कॉन्फिडेंट है एकदम। बहुत लोग तो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे, ठीक है, और भैया तो बुला के एकदम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है भैया, पहले आपका नाम? हमारा नाम स्वदेश मंडल है। क्या? स्वदेश मंडल। स्वदेश मंडल, ठीक है। तो भैया को एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अगर सोशल मीडिया जो भी है, इंस्टाग्राम फेसबुक आप यूज़ करते होंगे, अगर एक दिन के लिए गायब हो गया तो आपको कैसा लगेगा, कितना आपको फ़र्क होगा? हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है। क्या बोलूँ मैं इस पर, क्या बोलूँ क्या मैं? अरे बहुत बढ़िया बात। जिसके पास है उसका ही। अच्छा, मतलब आपको उतना कुछ फर्क नहीं होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पर आपको एक दिन के लिए कोई हीरो का लाइफ मिल जाए, कोई भी, तो आप किसका जिंदगी जीना चाहोगे? मैं तो किसका बोलूँ, कोई भी जिसको आप अच्छा लगता हो, मतलब समझे कि बहुत अच्छा लगता है, जैसे ऋतिक रोशन हो गया, शाहरुख खान। ये क्या है? कौन पसंद है? शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान। अभी आपका नाम? श्रेया। श्रेया, तो इन्होंने हाँ बोला है, अलाउ किया है, ठीक है, बहुत लोग तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का लाइव मिले, आप लेना चाहेंगे या रिफ्यूज कर देंगे? लाइव जिंदगी जीने के लिए मिले, कि आप इसका जिंदगी जीना चाहते हो? नहीं, मैं अपने में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, एकदम पहले ही रिफ्यूज, कोई पसंद नहीं है। और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं अलग, आप तो लेट होते होंगे ना, लेट तो होगा ही, कभी कभी तो होगा ही, तो कुछ एक्सक्यूज तो देते होंगे, क्या होता है आपका एक्सक्यूज अक्सर? अलार्म एम के जगह पीएम पे लगा दिया था। अरे ये मस्त है। अच्छा ठीक है, समझ गया। लड़कियों का अलग ही है भाई, ये लोग एकदम नया नया आइडिया सोचते हैं, हम तो बस बोल रहे साइकिल पंक्चर हो गया था ये वो, इनका तो अलग अलग नया नया है। ठीक है, तो पहले बात आपका नाम? रिसान अहमद। रिसान? रिसान अहमद। हाँ रिसान भैया, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, अगर सोशल मीडिया एक दिन के लिए गायब हो गया, सोचिए गायब हो गया, कुछ हुआ गायब हो गया सोशल मीडिया पूरा, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? चलेगा आपको? आप यूज नहीं करते सोशल मीडिया? करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया का बाहर तो असली तो मजा को, मतलब बाहर का दुनिया का बात कर रहे हैं। नहीं, आप जैसे कि आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, तो आनंद तो आता ही होगा आपको, मजा तो आता ही होगा। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम तो अभी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो कुछ तो इफेक्ट होगा आपको ना, कि टाइम कुछ तो इफेक्ट होगा आपको? होगा कुछ, लेकिन हमको तो सर। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्राउंड में खेलना अच्छा लगता है ना। अच्छा ये सच है? झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, हमारे एक और इंटरव्यू कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण करप्ट हो गया, एंड हमने बहुत कोशिश की उसको रिकवर करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं हो पाया। सुन लोगों का सिर्फ एक ही क्लिप है मेरे पास, वही मैं डाल दूंगा, बाकी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार दत्त है। अक्षय कुमार दत्त, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन ये है कि अगर सोचिए अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सोशल मीडिया जो आप बहुत यूज़ करते हैं, ऐसा कोई सोशल मीडिया, इंस्टा हो या फेसबुक, टेक डाउन हो जाए, तो आपका कैसा इफेक्ट होगा? मतलब अभी जो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर वो अचानक से वैनिश हो गया तो मानो दुनिया ही थम जाएगा। वो तो है, वो तो है, क्योंकि मतलब पहले जितना छोटा था ना, तब इतना मतलब सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तब यूज़ बनने लगा। सो अगर आज कुछ मतलब कुछ तरह से वैनिश हो भी गया, तो देखते हैं क्या कहते हैं, इफेक्ट तो बहुत होगा, इफेक्ट बहुत होगा। हाँ, और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई सेलिब्रिटी का लाइफस्टाइल मिले, तो आप किसका लाइफस्टाइल लेना चाहेंगे, जीना चाहेंगे? मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, बहुत। वो इतने फेमस है लेकिन फिर भी नॉर्मल तरीके से जीते हैं, मतलब लोगों से घुल मिल के रहते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं है एकदम एकदम। ये बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम एकदम। चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम निजाम है। ओके भैया, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर
ऐसा कुछ हुआ कि कोई कारण से इंस्टाग्राम गायब हो गया या जो भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते ज़्यादा पर गायब हो गया, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाते हुए ना फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, तो ये थोड़ा तो बैन होना चाहिए या एक रूटीन बना दे सरकार से कि दिन में 2 से 3 घंटा एक यूज़र लॉगिन करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, एकदम पहली बार किसी ने बोला ये चीज़। और अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का, कोई भी आपका मनपसंद किसी का लाइफस्टाइल मिले तो किसका लाइफस्टाइल आप मतलब अपनाना चाहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरे वो तो कोई नहीं हो सकता ना इंडिया में, वो तो एकदम आपने क्या ही बोल दिया, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी वही है यार, एकदम एकदम दिल छूने वाली बात बोल दिया भैया ने। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, गजब था भाई, मतलब पहले से तो हम सोचे थे एकदम क्या ही करेंगे, आप सब पहले से देख रहे हैं क्या कर रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा नर्वस, मतलब नर्वसनेस एकदम पीक पे था, ठीक है। और धीरे धीरे 2-4 रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन कम ही मिला है, सब ज़्यादातर अलाउ किया, सब लोग एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो एकदम फारू अपना इधर का ऑडियंस है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस सबका, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन लोगों का है, ठीक है। मैं बोलने में थोड़ा थोड़ा अटक रहा है मेरा, पर उन लोगों का एकदम मस्त मक्खन, और लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ कर रही थी, हालांकि कुछ कुछ लड़के बहुत फ्रैंक हो रहे, जैसे कि अभी लास्ट में जो भैया थे वो तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, एकदम मतलब लग रहा है कि एकदम बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और अगर तुम्हें ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट और ज़्यादा देखना है तो तुम कमेंट करके बताओ, और कैसा कैसा चैलेंज हम करें ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब सभी करो, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, सफल नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दीजिए भैया को, बहुत अच्छे लगे इनसे बात करके। ब्रो सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सचमुच में ये वीडियो कर लिया है, क्योंकि यो ब्रो फाड़ दिया पूरा क्योंकि आज तक हमने सिर्फ ये सोशल मीडिया पे देखा है कि ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं और ऐसे रैंडम आंसर मिलते हैं और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल जाते हैं, लाइक 30 मिलियन 40 मिलियन ऐसे करके व्यूज़ आते हैं। तो हम थोड़ा व्यूज़ का लालच में आए, और ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो व्यूज़ के लिए बनाएंगे, बट इन रियल लाइफ चीज़ें काफ़ी, मतलब जो वीडियो में दिखाता है ना, मैंने जो उतना आसान नहीं होता, मतलब फटता है भाई, बहुत ज़्यादा फटता है, जितना हमने सोचा था कि अच्छा ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और पूछेंगे, लेकिन ब्रो ऐसा नहीं है। पहली बात तो उनके पास जाने में बहुत फट रहा था, मतलब और हम लोग चॉइस करके बोल रहे हैं, क्योंकि सबको हम अप्रोच नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुछ गाली देके भाग जाएंगे, और बहुत लड़कों को भी हम अप्रोच नहीं कर पा रहे, देख के लग रहा था ये लोग शायद अभी गाली देके भगा देंगे, इसलिए हम बहुत ही पकेंगे। बहुत लोग बोले भी है ना, सुना थोड़ा बहुत आंसर आया है जो कि हम नहीं देंगे, वो हम नहीं बताएंगे, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वीडियो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे ऐसे, अगर तुम लोगों को पसंद है तो हम वीडियो बनाते रहेंगे।